नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं टिकटॉक्स। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ वीवो के अपकमिंग मोबाइल जो ग्लोबल मार्केट में लॉन्च करने वाली है X18 सीरीज के बारे में, जो बहुत ही दमदार होने वाली है। वीवो तो अक्सर कैमरे के मामले में बहुत ही दमदार फ़ोन इंडिया या पूरे विश्व वर्ल्ड में प्रोवाइड कराता है, लेकिन इसी कड़ी में इन्होंने एक और मोबाइल को जोड़ दिया है, वीवो X18 प्रो प्लस आने वाला है। क्या इसके फीचर्स होंगे, क्या इसकी डिस्प्ले क्वालिटी होगी, कैसा डिस्प्ले देखने को मिलेगा, कितने मेगापिक्सल का ये कैमरा प्रोवाइड कराते हैं, रियर कैमरा कितने मेगापिक्सल का होने वाला है, कितने एमएच की इसमें बैटरी मिलेगी, प्रोसेसर क्या होगा, जानेंगे सब कुछ आज की इस वीडियो में। तब तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ऐसे ही टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मैं अक्सर लिंक्स प्रोवाइड कराते रहता हूँ, आप हमारे चैनल पे बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें कलर वेरिएंट की, तो ये 3 कलर में उपलब्ध होने वाला है। पहला कलर की बात करें तो ये ऑरेंज मेट फिनिश के साथ आने वाला है, और दूसरे कलर की बात करें तो ये ग्रीन के साथ आने वाला है, और तीसरे कलर की बात करें तो ये ब्लैक के साथ आने वाला है। आई होप आपको ये तीनों कलर बहुत ही अच्छा, और ग्रीन कलर की तो बात ही कुछ और, ये बहुत सेक्सी लग रही है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके साथ आने वाली डिस्प्ले की। जैसा कि आपने देखा है कि डिस्प्ले कर्व फुल HD सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ आएगा, फिंगरप्रिंट इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आएगा, और कर्व डिस्प्ले है जैसा कि वीवो X70 Pro, X70 Pro Plus में दिया है, उस टाइप का आपको इसमें भी डिस्प्ले देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं दोस्तों इसके साथ मिलने वाली बैटरी की। तो र्यूमर्स की माने तो इसमें 4500 mAh की बैटरी मिल सकती है या उससे एबव, क्योंकि वीवो X70 Pro में हमें 46000 mAh की बैटरी देखने को मिली थी। हो सकता है इसमें सुधार कर 500000 की बैटरी दे, बट यदि रूमर्स के अकॉर्डिंग चलते हैं तो इसमें हमें 4200 या 4500 के बीच की बैटरी देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके साथ आने वाली प्रोसेसर की, कि इसमें कौन सी प्रोसेसर आपको देखने को मिलेगी। तो रूमर्स की माने तो इसमें स्नैपड्रैगन का लेटेस्ट प्रोसेसर Gen 1 देखने को मिलेगा, जिसके साथ वीवो का V+1 लेटेस्ट प्रोसेसर जो फोटोग्राफी के लिए स्पेशली बनाया गया है, कस्टमाइज किया गया है, वो इसके साथ आने वाला है। वीवो का V+1 प्रोसेसर जो लेटेस्ट है, तो कैमरा और फोटोग्राफी और वीडियो में जो 4 चांद लगने वाली है। आई होप हमें इस फ़ोन का बेसब्री से इंतज़ार है, आपको भी होगा। वीवो की तरफ से एक जो खास खबर निकल के आ रही है, रूमर्स की माने तो ये फ़ोन बहुत ही अनोखा होने वाला है। वीवो ने इसे अपने खास तरह से कस्टमाइज किया है, इसमें आपको 2 फिंगरप्रिंट सेंसर मिलने वाले हैं, यानी कि पहले मोबाइल में एक सिंगल सेंसर होते थे फिंगरप्रिंट सेंसर, इसमें आपको ड्यूल फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेंगे, जिससे आप 2 फिंगर से आप अपने 2 फिंगर को यूज कर पाएंगे लॉक और अनलॉक करने के लिए। अगर रूमर्स की माने तो ये मीडियाटेक और स्नैपड्रैगन डायमेंसिटी वाले प्रोसेसर के साथ आने वाला है, यानी कि वीवो 18 प्रो जो होने वाला है वो डायमेंसिटी प्रोसेसर के साथ आएगा, और वीवो 18 प्रो प्लस जो है स्नैपड्रैगन प्रोसेसर के Gen 1 के साथ आएगा। प्रो प्लस वेरिएंट में 50 MP कैमरा और 48 MP का सोनी IMX598 बेस्ट अल्ट्रा वाइड कैमरा, 12 MP का पोर्ट्रेट सेंसर और 8 MP का पेरीस्कोप टेलीफोटो कैमरा मिलेगा। प्रो प्लस में सेल्फी के लिए 32 MP का कैमरा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके अलावा वीवो 18 और X18 Pro में 6.7 इंच का सुपर एमोलेड E5 कर्व एज डिस्प्ले देखने को मिल सकता है, जिसका रिफ्रेश। आई होप आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में नए खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।